हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों के सभी क्लासों के रिजल्ट जो है आप किस तरीके से मोबाइल फ़ोन में मात्र 2 सेकेंड में नाम से और रोल नंबर से दोनों ही तरीक़ों से आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप किसी भी अभ्यर्थी या किसी भी कैंडिडेट का जो रिजल्ट है आप कैसे चेक कर पाएंगे, ऑल यूनिवर्सिटी के रिजल्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप जिस भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट की साइट आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी की जो भी साइट है रिजल्ट की, वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ कि प्रत्येक वर्ष का वीडियो मैं सबसे पहले डालता हूं कि कैसे आप जो है कॉलेजों के परिणाम देख सकते हैं, एडमिट कार्ड देख सकते हैं, कौन सी वैकेंसी वर्तमान में आ रही है, कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेंगे। इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल का विजिट करें, हमारे चैनल के वीडियो देखें। आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं मात्र 2 सेकंड में कैसे आप सभी कॉलेजों के सभी कक्षाओं के परिणाम जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल लाइव आपके सामने निकाल के दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर के अंतर्गत या किसी भी ब्राउजर के अंतर्गत आपको गूगल का न्यू पेज ओपन करना है। मैं बहुत ही इजी वे में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन पे मात्र 2 सेकंड में देख पाएंगे, बहुत इजी वे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उसके लिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे मैं यहाँ पर साइट डालता हूँ uniraj.ac.in। तो दोस्तों जैसे ही आप ये साइट डालोगे तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की मेन जो साइट है उस साइट के ऊपर आ जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे ऊपर काफ़ी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे होम, स्टूडेंट पोर्टल, डाक, रिजल्ट, रिसर्च। तो आपको रिजल्ट के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होता है और यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बता रखा है यूनिवर्सिटी रिजल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर Link 1 BA Part 1st 2nd 3rd रिजल्ट ओनली, Link 2 BA Part 1st 2nd 3rd रिजल्ट ओनली। और यहाँ पे नीचे दिखा रहा है Link 3 में ऑल रिजल्ट्स। फर्स्ट वाले दोनों लिंक्स के अंतर्गत आपको BA Part 1st 2nd 3rd के रिजल्ट देखने को मिलेंगे और नीचे वाले लिंक के ऊपर आपको सभी क्लासों के सभी ईयर के रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। तो हम करते हैं यहाँ पे Link 3 ऑल रिजल्ट के ऊपर क्लिक। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारे सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर की जो रिजल्ट की साइट है वो खुल जाती है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 27/6 को कौन कौन से रिजल्ट जारी किए गए हैं, यानी कि लगभग 2019 के सभी रिजल्ट जो हैं आ चुके हैं। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर एक रिजल्ट आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपका रोल नंबर खो गया है तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप अपने नाम से भी रिजल्ट देख सकते हैं। तो मैं यहाँ नाम से रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं एक BA Part 3rd ईयर 2019 का रिजल्ट आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं BA Part 3rd 2019 और यहाँ पे रोल नंबर वाइज और नीचे यहाँ पे दिखा रहा है नेम वाइज। अगर आपके पास रोल नंबर इनपुट है तो आप यहाँ पे रोल नंबर इनपुट करके फाइंड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, और नेम वाइज करना चाहें तो आप नेम वाइज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में नेम आ गया और रोल नंबर वाइज नीचे आ गया। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक कैंडिडेट का निकाल लेता हूँ BA Part 3rd ईयर का। तो मैंने यहाँ पे उसका नाम डाल लिया है आशीष यादव। अब करता हूँ मैं यहाँ से सीधा फाइंड। जैसे ही हम फाइंड करते हैं तो जितने भी आशीष यादव नाम के रिजल्ट हैं हमारे सामने शो हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे सेकेंड सेक्शन के अंतर्गत दिखाई दे रहा है फादर्स नेम। तो मैं यहाँ पे जिसका रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ उसके फादर्स नेम है धर्मपाल यादव। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे ऊपर ही दिखा रहा है आशीष यादव धर्मपाल यादव। तो आपको यहाँ पे रोल नंबर भी दिख रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ से रोल नंबर कॉपी कर सकते हैं या रोल नंबर या नाम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं नाम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारे सामने रिजल्ट निकल के आ चुका है।
आशीष यादव, धर्मपाल यादव, मुकेश देवी। और यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हैं, पास दिखा रहा है। फर्स्ट ईयर के मार्क्स, सेकंड ईयर के और फाइनल ईयर के टोटल मार्क्स 796 और टोटल रिजल्ट जो है पास यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपर यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज नंबर देख सकते हैं। इस तरीके से आप जो है बहुत ही इजी वे में मात्र 2-3 सेकंड में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और किसी का भी रिजल्ट आप देख सकते हैं नाम डाल के, उसके फादर्स नेम को फाइंड करके। अब मैं आपको एक रिजल्ट और निकाल के बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बीए पार्ट फर्स्ट वालों का रिजल्ट बता देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को पता नहीं होता है कि कैसे हमारा रिजल्ट निकालें, क्योंकि फर्स्ट ईयर होती है तो इतना नॉलेज भी नहीं होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक नाम डाल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, जैसे मेरे को नहीं पता किसका रिजल्ट है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। जैसे आपको किसी का रिजल्ट देखना है आपके आसपास का कि भाई वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ जैसे नीतू यादव। मैंने यहाँ पे नाम डाल लिया है, आप देख सकते हैं। आप किसी में भी डाल सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल लेटर में। और उसके बाद करते हैं हम फाइंड, देखते हैं नीतू नाम से कितने रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं नीतू नाम से हमारे पास लगभग काफ़ी रिजल्ट जो है आ चुके हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे एक रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम नीतू यादव के ऊपर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये रिजल्ट जो है आ चुका है नीतू यादव। और यहाँ पे फादर्स नेम देख सकते हैं भगवान शाह यादव, माता का नाम देख सकते हैं संतरा देवी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पेपर जो है बैक दिखा रहा है। अगर आपके में ये दिखा रहा हो पी ओ एस ओ, तो कहने का मतलब उसके पेपर बैक हैं। और बैक पेपर कौन से होते हैं, उनमें स्टार लगा हुआ आता है या जिसमें कम नंबर होते हैं। तो इसके ये पेपर देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर का पेपर जो है इसमें 18 नंबर आ रहे हैं और इंग्लिश के में 24 नंबर आ रहे हैं। ये दोनों पेपर इसके बैक लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 33 नंबर आपके आने चाहिए, तभी आपके सारे पेपर क्लियर होंगे। दोस्तों ऐसा नहीं आपके 33 नंबर तीनों ही पेपरों में, यानी कि अगर दो पार्टीशन है तो दो पार्टीशन, तीन है तो तीन, तीनों ही पार्टीशनों में टोटल मिला के आपके 33 नंबर होने चाहिए। तो चलिए एक रिजल्ट और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, सब कुछ लाइव आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर दोस्तों आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट ना मिले तो आप नीचे देख सकते हैं काफ़ी पेज हमारे सामने हैं, आप यहाँ पे नेक्स्ट भी कर सकते हैं। इससे पिछले पेपर, इससे पहले के जो रिजल्ट आए थे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे और बैक कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज में, अब यहाँ पे हम रिजल्ट जो है निकालने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकेंड 2019 का रिजल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15/6/2019 को जारी हुआ था। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, रोल नंबर तो हमें किसी का पता नहीं, नाम से ही हम सर्च करेंगे। और नाम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे रवि डाल देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैंने यहाँ पे रवि डाल दिया है और अब हम करते हैं फाइंड। जैसे ही हम फाइंड करते हैं तो रवि नाम के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट के ऊपर करते हैं क्लिक, फर्स्ट में जो रवि दिखा रहा है इसके ऊपर करते हैं हम क्लिक। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे नंबर दिखा रहा है रवि अमसारिया, उसके बाद फादर्स का नाम आप देख सकते हैं महेश्वर दयाल, और मम्मी का नाम आप यहाँ पे सुषमा देवी, मदर्स का नेम देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी तीनों के अंतर्गत नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, 350 नंबर आए हैं। पास मार्किंग भी आप देख सकते हैं। साइंस का मेरे को पता है क्योंकि मैं भी साइंस से था, तो यहाँ पे 350 नंबर आ रहे हैं। तो तीन, अगर आपको परसेंटेज देखनी हो तो 350 के 20 100 लगा के और इसमें भाग देना है आपको 1350 का, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। और जब आप इसमें भाग देंगे तो 13, इसमें जैसे ही आप भाग देंगे तो लगभग इसकी परसेंटेज मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैलकुलेटर में ले जाके कितनी बन रही है, 350। तो दोस्तों इसकी परसेंटेज बनी है 77.77। दोस्तों 1350 जो होता है तीनों ईयरों को, तीनों ईयरों के नंबर आपको जब टोटल नंबर दिखाएं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल के, उन नंबरों के अंतर्गत 20 लगा के 100 की और फिर 1350 का भाग देना है। प्रत्येक ईयर जो है एग्जाम 450 नंबर का होता है, तो आपको 350 में जैसे आप 450 का भाग देंगे और 100 से करेंगे गुणा, तो दोस्तों इसके यहाँ पे परसेंटेज हमारे सामने निकल के आ जाएगी 77.77। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे परसेंटेज निकालना भी बता दिया है। दोस्तों फिर भी अगर आप किसी भी
सब्जेक्ट का किसी भी ईयर का अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं, परसेंटेज जानना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, एनी प्रॉब्लम, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और आगे भी ऐसे ही हर प्रकार की रिजल्ट से संबंधित वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो दोस्तों अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही छोटे से बेल का आइकन है उसको दबा के भी ऑन कर लें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है रिजल्ट निकालना सीख सके मात्र 2 मिनट में, कहीं भी जाके उन्हें परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।